गुल्ली बुल्ली और शॉन रॉक के घर उसको सरप्राइज करने जा रहे हैं। गुल्ली बुल्ली थोड़ी तेज गाड़ी चलाओ, मुझे 40-50 आइसक्रीम भी तो खानी है ना, तुम्हें तो पता ही मुझे आइसक्रीम कितनी पसंद है। तभी शॉन की नजर बाजू वाले घर पे जाती है। गुल्ली बुल्ली वो क्या चीज है, वहाँ तो कोई नहीं है शॉन, भला इतनी सुनसान जगह पे कोई क्यों ही होगा। तुम दोनों मेरी बात का यकीन करो, मैंने अभी अभी वहाँ किसी को देखा है। यहीं रुको, मैं अभी उसको लेके आता हूँ। शॉन उसको इन्हें दिखाने के लिए लेने जा रहा है। बुल्ली, शॉन को अकेले जाने देना सही होगा क्या, कहीं कोई खतरा तो नहीं है ना? मुझे भी यही लगता है, अगर वहाँ कोई जानवर हुआ तो वो तो शॉन को देख के बेहोश ही हो जाएगा बेचारा। अरे बुल्ली, मैं तो शॉन के बारे में कह रहा था। शॉन घर के पास आके देखने लगा है, लगता है मुझे सच में वहम ही हुआ था, काफी सुनसान जगह है वैसे ये। इसको तो ज़ॉम्बीज़ ने घेर लिया। गुल्ली, ये तो शॉन की चीख है ना, लगता है वो किसी मुसीबत में है। ये ज़ॉम्बी शॉन को घर के पीछे से ही लेके जा रहा है। शॉन, कहाँ हो तुम, हमें सुन पा रहे हो तो कोई जवाब दो, लगता है उस पे किसी जंगली जानवर ने हमला कर दिया है। तुम जाके इविल नन को बुला दो, आज तो पार्टी करने का समय है, यहाँ सबके लिए भर पेट खाना है। ये कैसा शोर था, भला इतने से तालाब में कोई इतनी बड़ी मछली हो सकती है क्या जो इतना शोर मचा दे। ये ज़ॉम्बी शॉन को लेके जा रहा है। गुल्ली, वो रहा शॉन, मगर उसको लेके कौन जा रहा है। शॉन, तुम ठीक तो हो ना, और आखिर ये है कौन। मैं ठीक हूँ गुल्ली बुल्ली, ये वही है जो मुझे यहाँ पे दिखा था, मगर मुझे पता ही नहीं था ये ज़ॉम्बी होगा। सोचने वाली बात तो ये है कि भला यहाँ ज़ॉम्बी कैसे आ गया। मैं तो कहता हूँ हम इसे कहीं बांध देते हैं, वरना अगर इसने किसी को काट लिया तो पूरी दुनिया में ज़ॉम्बीज फैल जाएंगे। इन लोगों ने ज़ॉम्बी को बांध दिया है, अब हमें जल्दी से इधर से चलना चाहिए, इसे देख के मुझे बहुत डर लग रहा है। ये लोग वापस गाड़ी की ओर जा रहे हैं। गुल्ली को रॉट का ही फोन आ रहा है। कहाँ हो तुम सभी, अब तक आए नहीं तो मैं तुम्हारे घर ही आ चुका हूँ। अरे वाह रॉट, तुमने बहुत सही किया है, हम अभी वहाँ आते हैं। ये लोग घर की ओर जाने लगे। तालाब से वही ज़ॉम्बी देख रहा है। इविल नन भी यहाँ आ गई है। ये कहती है कि कहाँ है वो, जल्दी दिखाओ मुझे। इविल नन, वो सब तो यहीं पे थे, पता नहीं कहाँ चले गए। तभी इन दोनों का ध्यान इस ज़ॉम्बी पे जाता है। इसके साथ क्या हुआ है, आखिर इसको कौन बांध सकता है, जल्दी इसको होश में लाओ। ये होश में आके इविल नन को सारी बातें बताता है। तुम लोग इधर के ही इंसानों को पकड़ो, उन तीनों का ध्यान तो बिजली वाली इविल नन ही रख लेगी। तीनों घर तक आ पहुंचे हैं, मगर रॉट तो यहाँ है ही नहीं। गुल्ली, रॉट तो यहीं रुका था ना, कहीं दिख क्यों नहीं रहा है वो, हो सकता है वो घर के अंदर छिपा बैठा हो। हम जल्दी चल के उसे रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। रॉट तो छत के ऊपर चढ़ा हुआ है, इसका प्लान इन तीनों को डराने का है, इसका तो निशाना ही चूक गया। अरे रॉट, तुम कहाँ से आ रहे हो, हमें तो लगा तुम घर के अंदर होगे। ये सब बातें छोड़ो, मैंने तुम्हारे लिए ढेर सारी आइसक्रीम लाई हैं, चलो मिलके खाते हैं। शॉन तो डब्बे में ही कूद पड़ा। ये सभी मिलके आइसक्रीम खाने लगे। रॉड, ये आइसक्रीम तो बहुत कमाल की थी, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। बुल्ली कहता है कि क्यों ना इसी बात पे हम चल के एक हॉरर मूवी देख लें, वैसे भी आधी रात में हम कहीं घूमने नहीं जा सकते हैं। सभी लोग हॉरर मूवी के लिए मान गए। इनका पीछा करते हुए इविल नन भी यहाँ तक आ चुकी है। ये इनकी गाड़ी में इन्हें देखने लगी। अभी इनके दरवाजे के पास आके दरवाजा खटखटाने लगी। रॉट कहता है कि ये कौन है, कहीं बाबा तो नहीं है ना, क्या पता उनका भी इरादा पार्टी करने का हो। शॉन, जल्दी जाके जरा गेट खोलो, दरवाजे के पास तो तुम लोग हो, भला मुझसे क्यों कह रहे हो गेट खोलने को, मैं अपने सिंहासन पे सवार हूँ, तुम्हें दिखता नहीं है क्या, मैं यहाँ से नहीं हिलने वाला हूँ। गुल्ली दरवाजा खोलने जा रहा है।
गुल्ली घर से बाहर आ चुका है। इविलन तो यहाँ है ही नहीं। लगता है कोई हमसे मजाक कर रहा था। ये किसके चलने की आवाज आ रही है? असल में ये इविल नन है और ये गुल्ली को बुलाने की इसकी चाल है। इसने अपना डंडा ले लिया है। इसको लग रहा है कि सामने कोई जंगली जानवर है। मैंने तुम्हें देख लिया, वो तो यहाँ से गायब है। लगता है ये सब बस मेरा वहम था। इविल नन तो छत पे ही है। गुल्ली की चीख सुन के तीनों बाहर आ गए। गुल्ली क्या हुआ तुम्हें, अचानक चीखे क्यों? गुल्ली रॉड वो देखो, इविल नन गुल्ली को लेके जा रही है। तीनों भी गुल्ली के पीछे जाने लगे। ये गुल्ली को यहाँ पे ले आई है। ये ज़ॉम्बी चाकू लिए इसी का इंतजार कर रहे थे। इविल नन कहाँ है, उसको बताओ खाना आ चुका है। ये घर से बाहर निकल आई। ज़ॉम्बी जाके इसको मार दो, फिर हम इसे खाएंगे। कई दिनों बाद खाना खा के आज बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा ही खाना रोज मिला तब तो मजा ही आ जाएगा। मेरा समय समाप्त हुआ, मुझे अब जाना होगा यहाँ से। ये तो बिजली के झटके के साथ गायब हो गई। इसको हर बार बिजली से जाना जरूरी है क्या? अभी मैं मरते मरते बचा। ये तीनों यहाँ पे आ गए हैं। इस जगह खून देख के इनकी चीख निकल गई। लगता है उस इविल नन ने गुल्ली को खा लिया है। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, इसका बदला मैं उससे जरूर लूंगा। मगर इन लोगों ने ध्यान नहीं दिया कि वो ज़ॉम्बीज़ यहीं हैं। इन्हें भी मार के खा जाए क्या? तीनों को खा लिया तो महीने भर की चिंता नहीं रहेगी। हम इन्हें नहीं खाने वाले हैं। इनको बेहोश करके इविल नन को दे देते हैं। वो शैतान को इनकी बलि चढ़ा के हमें और ताकतवर बना सकती है। ये दोनों इनके पीछे ही आ गए। अरे तुमने ये क्या किया, हमें इसे मारना नहीं था। चाकू को रखना तो मैं भूल ही गया था। ये अभी जिंदा है, जल्दी इविल नन को बुलाते हैं। ज़ॉम्बीज़ ने तीनों को बांध दिया है। दोनों अब तालाब में इविल नन को बुलाने जा रहे हैं। बुल्ली रॉड हमें यहाँ किसने बांधा? तुम दोनों बेहोश हो क्या? शॉन क्यों शोर मचा रहे हो? अरे रॉड जल्दी उठो, हमें इस रस्सी से निकलना होगा। उन ज़ॉम्बीज ने ही हमें बांधा है यहाँ पे। ये दोनों तो इतनी जल्दी यहाँ आ गए और इनके हाथ में एक इंजेक्शन भी है। तुम्हें लगता है विलन की दवा काम करेगी? उम्मीद तो कम है, मगर कोशिश करने में क्या ही बुराई है। इन लोगों ने रॉड को इंजेक्शन लगा दिया। अब ये किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? दोनों बेहोश होने का सिर्फ नाटक ही कर रहे हैं। बुल्ली ज़ॉम्बी क्या कर रहे हैं? कहीं ये हमें मारने वाले हैं क्या? रॉड तो काफी अजीब हो चुका है। ये तो इनके जैसा ही ज़ॉम्बी बन चुका है। इसका मतलब इविल नन की दवा काम कर गई। अब हम दोनों के लिए भी इंजेक्शन ले आते हैं। वो दोनों कब के भाग गए यहाँ से, तुमने देखा नहीं क्या? रॉड तो इस ज़ॉम्बी को ही मारे जा रहा है। तुम इसको अभी मारना बंद करो, अब तुम हमारे साथ हो। अब लगता है तुम्हें सबक सिखाना ही होगा। मैंने तो इसे घुमा के दूर फेंक दिया। बुल्ली हम रॉड के पास जाएं क्या? नहीं शॉन, रॉड के सिर पे खून सवार है। ये सब उसी इंजेक्शन के वजह से हुआ है। रॉड फिर से इस ज़ॉम्बी को मार ही जा रहा है। इसके पेट से तो गुल्ली निकल आया और ये अभी जिंदा भी है। रॉड इसकी ओर ही आने लगा। गुल्ली रॉड को इस हालत में देख के इस पेड़ पे चढ़ गया। अरे रॉड, ये तुम्हारी क्या हालत हो गई है? डॉक्टर को दिखा के दवा ववा क्यों नहीं लेते हो तुम? रॉड तो पेड़ पे ही चढ़ने लगा। शॉन हमें जल्दी रॉड को रोकना होगा, इससे पहले गुल्ली को मार दे। इसने रॉड पे पत्थर दे मारा। रॉड तो गुस्से में इसकी ओर आने लगा। शॉन भी यहाँ छिपा बैठा है। भला तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे हमला करने की? तुम मुझे जानते नहीं हो क्या? खैर वैसे तो मैं भी खुद को नहीं जानता हूँ। गुल्ली इधर से डंडा लेके आ रहा है। रॉड ने इसे देख लिया। शॉन के पास में एक आइसक्रीम पड़ी है जो कि इसने रॉड से ही चुराई थी।
आइसक्रीम खाने की आवाज रॉड को आ गई है। तो तुम भी यहीं छिपे हो, अरे तुम्हारे हाथ में क्या अजीब सी चीज है? आइसक्रीम देख के इसको क्या होने लगा? रॉड का तो दिमाग खराब हो गया लगता है। गुल्ली बुल्ली जल्दी आके देखो इसको। गुल्ली बुल्ली इसके पास आ गए। लगता है तुम्हारे हाथ में आइसक्रीम देख के इसकी पुरानी यादें वापस आ रही हैं। रॉड का हुलिया भी पहले जैसे हो गया। इस शॉन पे किसने हमला कर दिया? ये तो दोनों इविल नन हैं। तुम्हारा निशाना चूक गया, तुम्हें निशाने पे थोड़ा और ध्यान देना होगा। तुम चिंता मत करो, अब मेरा निशाना सीधे उस रॉड पे है। रॉड तो बाल बाल बचा। लगता है कि सारे गोले खत्म हो गए। तुम जाके कुछ और भी ले आओ, तब तक ये तीनों निकल जाएंगे। हमें इनका काम अभी तमाम करना होगा। रॉड रुके क्यों हो तुम? जल्दी निकलते हैं यहाँ से। उनके हथियार खत्म हो गए हैं, ये अच्छा मौका इन्हें मार गिराने का। लगता है इसका दिमाग खराब हो चुका है, अपनी मौत की तरफ खुद चल के आ रहा है ये। भला अब तुम लोग मुझे मारोगे ही कैसे? तुम्हारे हथियार ही खत्म हो गए हैं अब तो। अब मरने के लिए तुम लोग तैयार हो जाओ। रॉड तो गया बुल्ली, जल्दी हम बाबा को बुलाते हैं मदद के लिए। दोनों शॉन को उठा के जा रहे हैं। अब तो तुम गए। इसको मारना तो बड़ा आसान था। तुम क्या सोच रही हो? वो तीनों रॉड को बचाने आएंगे। ज़ॉम्बीज को लेके तैयार रहो, इस बार वो बच के जाने ना पाए। बाबा अपने घर पे ही ध्यान लगाए हुए हैं। गुल्ली बुल्ली शॉन को लेके यहाँ आ गए। बुल्ली कहता है कि बाबा आप सो रहे हो तो जाग जाओ, हम बड़ी मुसीबत में हैं। बाबा कहते हैं कि ये शॉन को क्या हुआ गुल्ली बुल्ली, इससे ऐसे क्यों लाए हो? बाबा इस पे इविल नन ने तोप चला दिया था, ये बेहोश है और उन्होंने रॉड को भी पकड़ लिया है। बाबा ने शॉन को ठीक कर दिया। अरे क्या हुआ, मैं नर्क में हूँ क्या? अरे यहाँ तो भूत भी हैं, कोई बचाओ मुझे। बाबा कहते हैं कि हमें जल्दी रॉड के पास चलना चाहिए, इससे पहले उसे कोई खतरा हो। बाबा ने हाँ बादल को बुला लिया और ये लोग रॉड को बचाने के लिए निकल चुके हैं। ये लोग एक अलग से ही जगह पे आ गए हैं। गुल्ली कहता है कि बाबा ये तो कोई और ही जगह है, यहाँ पे रॉड नहीं होगा। अगर बादल हमें यहाँ लेके आया है तो रॉड यहीं है, ये कभी गलत नहीं हो सकता है। आओ एक बार चल के ही देख लेते हैं। सामने तो वही दोनों ज़ॉम्बीज हैं। इविल नन वो आ चुके हैं, सारी चीजें तैयार कर लो। तभी शॉन इन ज़ॉम्बीज को देख लेता है। बाबा ये वही ज़ॉम्बीज हैं जिन्होंने हम पे हमला करा था, मैं अभी इन्हें देख के आता हूँ। बुल्ली कहता है कि बाबा वो तो एक मगरमच्छ है। और यहाँ दो और मगरमच्छ आ गए। बाबा को तालाब में ले गया। दोनों ज़ॉम्बीज अपने साथ दो तोप लेके आ रहे हैं। गुल्ली कहता है कि हम बाबा को इसमें कैसे छोड़ दे अकेले, हमें अभी छिपना ही होगा वरना वो दोनों हमें तोप से उड़ा देंगे। जल्दी पेड़ के पीछे चलो। बाल बाल बचे। ज़ॉम्बी कहता है कि इन्हें बाहर कैसे निकालें? एक काम करते हैं, पूरे पेड़ को ही उड़ा देते हैं। दोनों इनके पेड़ों पे हमला करे जा रहे हैं। शॉन कहता है कि अब क्या करें गुल्ली बुल्ली, पेड़ तो कुछ ही समय में टूट जाएंगे। बाबा ने इन्हें बचा लिया। ज़ॉम्बी कहता है कि इविल नन कहाँ हो, ये बूढ़ा बाबा बाहर आ गया। बाबा कहते हैं कि अब तुम दोनों का खेल खत्म करने का समय हो चुका है। चुपचाप से बता दूं कि रॉड को कहाँ रखा है तुमने? इविल नन तो इस घर के ऊपर बंदूक लिए खड़ी है। बस कुछ ही देर और ये भी ज़ॉम्बी में बदल जाएगा, लेकिन उस रॉड के जैसे ये भी खुद से ठीक हो गया तो क्या करेंगे? चिंता मत करो, इस इंजेक्शन में 10 गुना ज्यादा शक्ति है। तो अब रॉड का क्या करें? उसका कोई काम नहीं है, वो बस इस बाबा के लिए चारा था। एक काम करो, उसको पत्थर में बदल दो। अभी इविल नन बाबा के पास आने लगी। तभी बुल्ली का ध्यान इस पे जाता है। गुल्ली शॉन वो बाबा है क्या? भला इविल नन यहाँ कब आई? वो तो बाबा की सारी शक्तियाँ चुरा रही है। गुल्ली कहता है कि तुम दोनों यहीं रुकना, मैं बाबा को बचाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अगर मैं भी फंस जाऊँ तो तुम दोनों यहाँ से निकल जाना।
ये भागता हुआ इन्हें बचाने के लिए आ रहा है। गुल्ली छुप के स्तूप के पास आ रहा है। इविल नन ने इसको देख लिया। बाबा तो देखने में बिल्कुल ज़ॉम्बी जैसे हो चुके हैं। बाबा आपको क्या हुआ? गुल्ली शॉन, ये बाबा को तो आके देखो। बाबा ने तो गुल्ली को मार दिया। शॉन जल्दी बाबा को चल के पकड़ने में मदद करो मेरी। बाबा तो बहुत गुस्से में हैं। इन्होंने शॉन को देख लिया। गुल्ली इन पे धूप से निशाना लगा रहा है। बुल्ली कहता है कि गुल्ली तुम ठीक हो क्या? हाँ बुल्ली, मुझे बस थोड़ी सी ही चोट लगी है। शॉन भी अभी ठीक है। अच्छा हुआ इविल नन ने इनकी शक्तियाँ निकाल ली थी, वरना तो शॉन अभी मार गया होता। ये वापस इनके पास आ रहा है। शॉन कहता है कि हमें बाबा को रस्सी से बांध देना चाहिए, इससे पहले ये होश में आके हमें मार के बेहोश कर दें। इन्होंने यहाँ पे बाबा को बांध दिया है, मगर यहाँ बिजली वाली इविल नन आ गई है और इसने झटका देके इविल नन को ठीक कर दिया। आखिर यहाँ हो क्या रहा है और वो तीनों आजाद क्यों घूम रहे हैं? इन्होंने मुझे तोप के गोले से मार दिया था। अपना चाकू निकाल लो, इनको अब जिंदा नहीं छोड़ना है हमें। बाबा भी तो अब जाग गए और इन्होंने इन दोनों को भी सामने देख लिया। बुल्ली कहता है कि अब तो हम तीनों गए काम से। इविल नन ने इनसे हमला कर दिया। ये तो रॉड के फादर हैं। गुल्ली बुल्ली शॉन, तुम लोग निकलो इधर से, मैं इन्हें रोकता हूँ। इविल नन कहती है कि तो अब तुम रॉड को ढूंढते हुए आ गए, तुम्हें उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी, वो हमारे लिए मूर्ति बन के रहेगा आप से। ये कहते हैं कि रॉड को तो मैं बचा लूंगा, दम है तो रोक के दिखाओ मुझे। बाबा ने तुम पे लेजर मार दी। तुम यहाँ अकेले हो और हम तीन हैं, तुम्हारे पास बचने का कोई मौका नहीं है। बाबा इन दोनों के साथ मिल गए हैं। इविल नन के जेब से किताब गिर गई। तुम्हारे ऐसे हमलों का कोई असर नहीं होगा, तुम मेरे सामने बहुत कमजोर हो। इनके हमले से तो ये बर्फ में जम गई है। रॉड के फादर ये किताब लेके जा रहे हैं। आखिर इस किताब में ऐसी क्या खास बात है? गुल्ली बुल्ली और शॉन बच के अपने घर आ गए हैं। शॉन कहता है कि हमें बाबा को ऐसे छोड़ के आना चाहिए था क्या? और वैसे रॉड के फादर वहाँ कैसे आ गए? तुम लोगों ने फोन करा था क्या उन्हें? नहीं शॉन, जरूर किसी तरह से उन्हें रॉड के मुसीबत में होने का पता चल गया होगा। मगर अभी भी इनकी मुसीबत खत्म नहीं है। ये दोनों ज़ॉम्बीज़ इनके छत पे ही हैं। आ गए तीनों, काम तमाम करते हैं इनका जल्दी। तीनों घर में चले गए, अब बाहर कैसे निकालेंगे हम इन्हें? मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है। ये दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करने लगा। गुल्ली बुल्ली दरवाजे को पकड़े हुए हैं। आखिर हमारे दरवाजे पे कौन है और तुम दरवाजा क्यों रोके हुए हो? शॉन, तुमने देखा नहीं था क्या? अपने छत पे ज़ॉम्बीज़ थे। हम बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। यहाँ रॉड के फादर आ गए। अब ये दोनों कौन हैं? लगता है पहले इन्हें निपटाना होगा। ज़ॉम्बी ने तो इन पे ही हमला कर दिया। ये कहता है कि ये उड़ने वाला जानवर क्या है? देखने में तो ये रॉड जैसा दिख रहा है। इसको निपटा के इविल नन तक ले चलते हैं। इन्होंने इन दोनों को ही फ्रीज कर दिया। ये धोखेबाज तो बेहोश होने का नाटक कर रहा था। इन्होंने दोनों को फेंक दिया। बुल्ली बुल्ली शॉन, तुम लोग घर में ही हो क्या? ज़ॉम्बीज का खेल खत्म कर दिया है मैंने, अब बाहर आ सकते हो तुम। दोनों इविल नन और बाबा रॉड को पत्थर बना चुके हैं। बिजली वाली इविल नन कहते कि इसका तो काम तमाम हो गया, अब इसको अब मैं तोड़ दूं क्या, या इसे नदी में फेंक देते हैं? अरे मेरी जादुई किताब कहाँ है? कौन है जिसने मेरी जादुई किताब लेने की हिम्मत करी है? मैंने देखा था जब तुम बर्फ में बनी थी तो रॉड के फादर ने वो किताब ले ली थी, और वो तो कब का निकल चुका है। उसको हमें जल्दी वापस लेना होगा, जल्दी उस तक चलो। ये लोग इविल नन की जादुई किताब को पढ़ने जा रहे हैं। इस किताब में ऐसी क्या खास बात है? इसमें इविल नन के सारे काले जादू का राज है। इसमें ही बाबा के इलाज का तरीका भी होगा और पत्थर बनाने वाले जहर के बारे में जानकारी भी इसी में होगी। आओ देखें।
ये तो पत्थर से इंसान में बनाने वाला इलाज है। गुल्ली कहता है कि इस चीज को लाना तो नामुमकिन है, हम भला इसे कैसे मारेंगे, हम तो इसके सामने चींटी जैसे हैं। रॉक के फादर कहते हैं कि मगर हमें ये करना ही होगा। ये लोग एक तालाब के पास आ गए हैं। गुल्ली बुल्ली और मछली इसी तालाब में ही होगी, मैं तालाब में जाता हूँ, अगर वो बाहर आए तो इस बंदूक से उस पे गोली चला देना, लेकिन अगर मैं ही ना आऊँ तो तुम लोग यहाँ से चले जाना। तालाब से तो काफी अजीब सा शोर आ रहा है। शॉन कहता है कि गुल्ली बुल्ली सब कुछ ठीक है ना, वो मछली उन्हें खा तो नहीं गई ना, चिंता मत करो शॉन, बस एक बार उसको बाहर आने दो, मैं उस पे गोली चलाने के लिए तैयार हूँ। ये तो बहुत बड़ी सी मछली है, गुल्ली ने उस पे गोली चला दी। रॉड के फादर ने इसका दांत निकाल लिया है, अब हम रॉड को सही कर सकते हैं। ये लोग इस मछली के दांत को पाके बहुत खुश हैं, मगर यहाँ इविल नन और बाबा आज पहुँचे हैं। इविल नन कहती है कि तुम्हें मैं जिंदा नहीं छोड़ने वाली हूँ, तुमने मेरी किताब चुराने की हिम्मत भी कैसे की, तुमने खुद की ही मौत बुला ली है। रॉड के फादर कहते हैं कि गुल्ली बुल्ली शॉन तुम यहाँ से जाओ और रॉड को ठीक कर दो, मैं इन्हें उलझाए रखता हूँ। इविल नन कहती है कि जाके उन तीनों को मौत की नींद सुला दो, मुझे पहले इसको मारना है। इसके पास अब बाबा की भी शक्तियाँ हैं, इससे बचना तो अब नामुमकिन सा है। इविल नन तो गायब हो गई, आखिर कहाँ छिपी हो इविल नन, सामने से मुकाबला करो, मैं तुमसे डरता नहीं हूँ। मुझसे दुश्मनी लेके तुमने अच्छा नहीं किया, अब तुम्हारी सजा की बारी है। इविल नन ने इन्हें चाकू से मार दिया। गुल्ली बुल्ली शॉन भागते हुए रॉड तक आ गए हैं। शॉन कहता है कि दांत तो है हमारे पास, मगर इससे रॉड को ठीक करना कैसे है। बुल्ली कहता है कि इसको रॉड के दांत की जगह लगा के देखो, क्या पता काम कर जाए। गुल्ली कहता है कि इससे तो कुछ भी नहीं हो रहा है, इसको मैं यहाँ रख देता हूँ, मुझे लगता है हमें दोबारा किताब पढ़नी चाहिए। दांत को सिर पे रखते ही तो रॉड चमकने लगा। बुल्ली कहता है कि इसका मतलब हमें यही करना था, हमने कमाल कर दिया, ये तो बाबा और बिजली वाली नन है। गुल्ली बुल्ली शॉन इनसे बच के यहाँ छिप गए हैं, मगर कहीं ये रॉड के सिर पे रखा दांत देख ना ले। इविल नन कहती कि वो तीनों इधर ही हैं, मैं उन्हें महसूस कर सकती हूँ, जल्दी ढूंढो उनको। शॉन कहता है कि हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए, मुझे अभी मरना नहीं है, इन्हें तो बाबा ने देख लिया। गुल्ली कहता है कि अब तो गए हम। ये लोग बाबा से बच के भागने लगे। बुल्ली कहता है कि गुल्ली जल्दी किताब में देखो बाबा को कैसे ठीक करना है, इसमें तो लिखा है कि बाबा को ठीक करने के लिए हमें इविल नन से ही दवा लेनी होगी, क्योंकि जहर भी उसी ने बनाया था, या फिर बाबा खुद से ही ठीक हो सकते हैं अगर उन्हें पुरानी चीजें याद आ जाए तो, बाबा तो ऊपर ही खड़े हैं। बाबा ने इनको कैद कर दिया ताकि ये भाग ना पाए। इविल नन अब यहाँ से जा रही है, रॉड के फादर तो चल भी नहीं पा रहे हैं, ये इस घर में इविल नन से बचने के लिए जा रहे हैं। इविल नन ने तो इन्हें देख लिया, ये इन्हें अभी भी जिंदा देख के काफी हैरान है। मुझे तो लगा तुम मारे गए हो, कोई बात नहीं, इस बार बच नहीं पाओगे तुम। इनके पास ये पत्थर कैसा है। इविल नन इन्हें घर में गायब देख के सोच में पड़ गई है। आखिर कब तक भाग पाओगे मुझसे तुम, मैं तुम्हें मार के ही रहूंगी, ये तो इस पत्थर से छोटे हो चुके हैं। इविल नन से बाल बाल बचे, इस पत्थर की ताकत कम हो रही है, मुझे जल्दी निकलना चाहिए। इन्हें इविल नन ने भागता देख लिया। इविल नन यहाँ से कहीं और जा रही है, ये इस पेड़ के ऊपर चढ़ गए थे, आज तो मैं मरते मरते बच गया, बस गुल्ली बुल्ली ने रॉड को ठीक कर दिया हो। रॉड अब ठीक हो चुका है। इविल नन को देखते इसने इस पे हमला कर दिया, ये कहती है कि तुम ठीक कैसे हो गए, ये नामुमकिन है। रॉड कहता है कि ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन तुम ऐसे ही जमी रहो, मैं चला पता करने मुझे ठीक किसने किया है।
तुम अभी भी बच नहीं सकते हो, बाबा तुम्हें छोड़ेगा नहीं। इधर बाबा भी ठीक हो गए हैं। अरे गुल्ली बुल्ली शॉन, तुम जादुई गोले में क्या कर रहे हो? शॉन कहते कि बाबा हमें तो लगा था आज हम मारे जाएंगे, अच्छा हुआ आपको होश आ गया। इविल नन बाबा को सही सलामत देख के परेशान हो गई। आखिर ये हो क्या रहा है, सभी खुद से कैसे ठीक हो रहे हो? बाबा कहते हैं कि तो तुम ही हो जिसने मुझे ज़ॉम्बी बनाया था, अब तुम्हारी बारी है मरने की। नहीं नहीं, वो दूसरी इविल नन थी, मैं निर्दोष हूँ। बाबा नदी के पास आ रहे हैं। अच्छा हुआ तुम्हारे मगरमच्छ अभी जिंदा हैं। इन्हें खाना देने का समय आ चुका है। इविल नन भी गुस्से में यहाँ आ रही है। रॉड कहता है कि वैसे मुझे पत्थर से ठीक किसने किया है? गुल्ली कहता है कि रॉड तुम्हें ठीक करने के पीछे तुम्हारे फादर का ही हाथ है, उनकी मदद से ही तुम ठीक हुए हो, वैसे वो अभी तक आए क्यों नहीं? इविल नन इन्हें साथ में खत्म करने का सोच रही है। इसने तो एक बड़ा सा लोहे का गोला बना दिया। बाबा ने इसको रोक दिया है। शॉन कहता है कि अब हमें मारने की कौन कोशिश कर रहा है? इविल नन फ्रीज कैसे होने लगी? रॉड तो यहाँ है। ये तो रॉड के फादर एक मक्खी पे बैठकर आए हैं और अब ये सभी लोग सुरक्षित हैं। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें।